वेलकम टू सोशल द फैमिली मैन एक ऐसा शो है जो मैं दिल से चाहता था कि सक्सेसफुल हो जाए, क्योंकि श्रीकांत इज लिटरली आवर जेम्स बॉन्ड। जेम्स बॉन्ड छोड़ो, उसके पास तो हर टेक्नोलॉजी है एंड ही इज इनटू नो स्ट्रिंग अटैच्ड रिलेशनशिप्स, बट आवर श्रीकांत इज वे बेटर इन रियल। सो इसलिए जब मैंने सीजन 1 देखा था, तब से ही आई वॉज होपिंग कि सीजन 2 कब आएगा, बट My name is V and I'm going to be reviewing The Family Man Season 2 in this video. मैं आपको पहले ही बता दूं कि मुझे recently vaccine लगी थी और मैं बहुत feverish और low feel कर रहा था, just like this. और फिर मैंने देखा The Family Man Season 2 and I was feeling like this. So let's get a bit serious now. Review शुरू करते हैं. So let's start with the strong points. जो इस सीरीज में एक्चुअली बहुत ज़्यादा हैं। नंबर 1, एक्टिंग परफॉर्मेंसेस। ऑनेस्टली, इस सीरीज में हर एक कैरेक्टर ने स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दी है। मनोज वाजपेयी पे आने से पहले आई जस्ट वांट टू गिव अ स्टैंडिंग ओवेशन टू समांथा किनेनी, क्या अमेजिंग परफॉर्मेंस दी है उन्होंने। जिस तरह से उन्होंने राजी के कैरेक्टर पे वर्क किया है, इट हैज टोटली ब्लोन मी अवे। समांथा ने इससे पहले इतना डार्क और टेंस कैरेक्टर नहीं किया है एंड ना ही ऑडियंस को कोई आइडिया था कि वो इतनी वर्सेटाइल एक्ट्रेस हैं। राजी के फर्स्ट सीन से ही यू स्टार्ट नोटिसिंग हर आईज, उनकी आंखें ही सब कुछ एक्सप्रेस कर जाती हैं। कुछ सीन्स तो ऐसे थे दैट यू लिटरली गेट गूज़बम्स बाय जस्ट लुकिंग एट हर एक्सप्रेशंस। इफ देयर वर ऑस्कर्स इन द फील्ड ऑफ ओटीटी, देन समांथा विल बी डेफिनेटली माय नॉमिनी फॉर दिस ईयर। नाउ टॉकिंग अबाउट मनोज वाजपेयी, आई डोंट थिंक कि उन्हें अब कुछ प्रूव करने की ज़रूरत है। इस सीजन में भी उन्होंने श्रीकांत के कैरेक्टर को एक अलग रेंज पे प्ले किया है, चाहे कोई फनी सीन्स हो या इमोशनल या फिर कोई एक्शन सीन्स, मनोज हर सीन में श्रीकांत को क्लास अपार्ट दिखाते हैं। मेरे ओपिनियन में मनोज हैज रीच्ड अ लेवल लाइक RDJ डिड विद आयरन मैन, जहाँ उनके अलावा अब किसी और को इस सीरीज में इमेजिन करना ही मुश्किल है। ये भी कोट आता है, कभी कभी जीतने के लिए हारना पड़ता है, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, जो जीता वही सिकंदर इसके। इसके अलावा बात करूँ शारिब हाशमी की, तो आई थिंक ही इज द बैकबोन ऑफ दिस शो। उनके बिना श्रीकांत भी थोड़ा वीक लगता है एंड यू नो दोनों की केमिस्ट्री मुझे कहीं ना कहीं बैड बॉयज की याद दिलाती है। सजेशन टू द मेकर्स कि फ्यूचर में शारिब हाशमी को लेके एक फैमिली मैन का स्पिन ऑफ बनाया जा सकता है, जिसे आई एम श्योर की ऑडियंस देखना पसंद करेगी। डू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स की वॉट यू थिंक ऑफ दिस आइडिया। इसके अलावा बहुत से एक्टर्स हैं शो में, पर सबके बारे में रिव्यू में बात करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि थोड़ा टाइम पे ध्यान देना पड़ता है, बट ऑनेस्टली एवरीवन हैज डन अ गुड जॉब। चाहे वो संदीप भैया, आई मीन सनी हिंदुजा हो, या फिर प्रियमणि, टू इवन तमिल कैरेक्टर्स, हर किसी ने अपने रोल्स को परफेक्शन से प्ले किया है। इन शॉर्ट, जो भी कैरेक्टर स्क्रीन पे दिखता है ना, वो ऐसा लगता है उस शो का लीड है उस वक्त। सो दिस एक्सप्लेन्स की राइटिंग और डायरेक्शन इज अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ दिस सीरीज। सो लेट्स काउंट राइटिंग एंड डायरेक्शन एज अ सेकेंड स्ट्रॉन्ग पॉइंट। इन माई ओपिनियन, किसी भी सक्सेसफुल सीरीज का सेकेंड सीजन को फर्स्ट सीजन जितना एपिक बनाना या उससे बेटर बनाना बहुत मुश्किल रहता है। जस्ट लाइक मिर्जापुर और सेक्रेड गेम्स इस चीज का प्राइम एग्जाम्पल है, जिनके सेकेंड सीजन अच्छे थे नो डाउट, बट वो फर्स्ट सीजन वाली बात उनमें नहीं थी। वहीं फैमिली मैन का सेकेंड सीजन इज बिगर, बेटर एंड ब्रिलियंट। मैं ज़्यादा एक्सपेक्टेशन शो में लेके नहीं गया था, बट ट्रस्ट मी, आई एम फीलिंग प्राउड ऑफ आवर सिनेमा राइट नाउ। राजन DK आर टोटल जीनियसेस। मुझे उनका डायरेक्शन स्टाइल बहुत ही अमेजिंग लगा, जहां उन्होंने दो पैरेलल वर्ल्ड्स को शो में दिखाया है, जहां एक वर्ल्ड श्रीकांत का है और दूसरा राजी का। दोनों के नैरेटिव्स डिफरेंट हैं, जहां शुरू में श्रीकांत का नैरेटिव ज़्यादा कॉमेडी और फैमिली ड्रामा के अराउंड है, और वहीं राजी का नैरेटिव रिवेंज, हेट और पॉलिटिक्स के। इन दोनों के वर्ल्ड्स को एक साथ बहुत अच्छे से मिक्स करके दिखाया गया है, जो आप शो देखते हुए खुद फील करेंगे। नंबर 3 पे जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ओके लेट्स वेट, लेट मी काउंट 3 स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स एक साथ। वो है शो के एक्शन सीन्स, सिनेमाटोग्राफी यानी कि कैमरा वर्क, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, रियलिज्म एस्पेक्ट। शो के एक्शन सीन्स अपने आप में ही एक नया एक्शन कल्चर बॉलीवुड में शुरू करने की पोटेंशियल रखते हैं। इतनी रियलिस्टिक लोकेशंस पे जिस तरह से शूट किया गया है, दैट एक्सप्लेन्स कि हमें बड़े सेट्स और CGI की जरूरत नहीं है, वी जस्ट नीड गुड स्टोरीज एंड गुड एक्शन डायरेक्टर्स। सीजन 1 में इफ यू रिमेंबर, एक वन टेक सीन था जहां मूसा को हॉस्पिटल से निकाला जाता है, वो क्या अमेजिंग सीन था। वहीं सीजन 2 में यू आर गोइंग टू सी 2 एक्शन सीन्स जिन्हें वन टेक में शूट किया गया है, एंड दोनों ही सीन्स टोटली बैडास। इन एक्शन सीन्स में जो कैमरा वर्क है, उसको हॉलीवुड के सिनेमाटोग्राफर कैमरन एरिक ब्राइसन ने किया है, जो रोबोकॉप और एरागन जैसी फिल्म के सिनेमाटोग्राफर रहे हैं। इन मेनी वेज शो की सिनेमाटोग्राफी काफी स्टैंड आउट करती है, और ये एक बहुत ही बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। लाइक जस्ट लुक एट दिस शॉट,
ऐसा कैमरा वर्क रेयरली ही आपको हिंदी कॉन्टेंट में देखने को मिलता है. सो द पीपल हु आर इन टू सिनेमाटोग्राफी एंड फिल्म मेकिंग, दिस शो इज गोइंग टू बी अ ग्रेट लर्निंग फॉर यू. इसके अलावा एक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, वो है शो का रियलिस्टिक एस्पेक्ट. चाहे वो श्रीकांत हो या उसकी टास्क फोर्स, या राजी हो या उसकी गैंग, हम सभी की स्टोरी से रिलेट करते हैं. श्रीकांत की फैमिली प्रॉब्लम्स को देख के आप खुद भी अपनी फैमिली या अपने पेरेंट्स की सिचुएशन से उनको कनेक्ट करने लग जाते हैं. नॉट एवरीबडीज फादर इज एन अंडरकवर एजेंट, बट श्रीकांत जिस तरह से घर पे नजर आता है वो बिल्कुल टिपिकल इंडियन पापा लगते हैं. दूसरी तरफ राजी की बात करूँ तो एक विलन कैरेक्टर की स्टोरी भी इतनी रियल दिखाई है दैट समटाइम्स यू जस्ट फील बैड फॉर हर, एंड दिस इज व्हाई आई फील कि शो में रियलिज्म का एस्पेक्ट बहुत स्ट्रांग है. राजन डीके की ज्यादातर स्टोरीज न्यूज़पेपर आर्टिकल से इंस्पायर होती है, और इस सीरीज में भी उन्होंने ऐसी रियल इंसिडेंट से ही कैरेक्टर्स डेवलप किए हैं. सो दैट एक्सप्लेन्स कि रियलिटी फैक्टर इन द शो इज 10/10. नाउ लेट्स एंड द स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स. आई थिंक मैंने 3 स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स के चक्कर में आपको 5 स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स बता दिए. स्मार्ट वर्क यू सी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट कुड हैव बीन बेटर. वेल, इस शो में कोई इतना बड़ा कुछ क्रिटिसाइज करने वाला नहीं है, बट मुझे लगा कि दर्शन कुमार के कैरेक्टर को और डेवलप किया जा सकता था. सीजन 1 में एज यू नो कि वो मेन विलन्स में से एक थे, पर इस सीजन में उनका रोल ज्यादा डेवलप ही नहीं होता है. आई मीन टू से वही एक ऐसा एक्टर है जिनकी परफॉर्मेंस को आप उतना स्क्रीन पे नहीं देख पाते हैं, एंड यू ऑल नो व्हाट अ फाइन एक्टर दर्शन इज. सो मेरे ओपिनियन में ये एक चीज बेटर हो सकती थी. नाउ कमिंग टू आवर रेटिंग, मासी एंड क्लासी. मासी रेटिंग फॉर द फैमिली मैन सीजन 2 इज 4.5 स्टार्स. मैंने हाफ स्टार इसलिए कम किया है क्योंकि जो टिपिकल हिंदी फिल्म और हिंदी वेब सीरीज वाली ऑडियंस है, उन्हें तमिल लैंग्वेज जो शो में दिखाई गई है वो थोड़ी डिस्ट्रैक्ट करेगी. इस चीज़ से मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, उल्टा मैं तो बहुत खुश था कि एक पैन इंडिया लेवल पे हमें शो देखने को मिल रहा है जहां तमिलियंस को हिंदी बोलते हुए तो नहीं दिखाया गया एटलीस्ट. बट आई थिंक ये चीज़ उस सेगमेंट ऑफ ऑडियंस को बहुत अजीब सी लग सकती है जिन्हें हिंदी शोज में वो सबटाइटल पढ़ पढ़ के शो देखने की आदत नहीं है. नाउ क्लासी रेटिंग फॉर सीजन 2 इज ऑल्सो 4.5 स्टार्स. हाफ स्टार इसलिए कम किया गया है क्योंकि दर्शन कुमार का कैरेक्टर ढंग से यूटिलाइज नहीं किया गया, इसलिए मैं थोड़ा सा इस चीज को देख के लेट डाउन था. बट हेलो, 4.5 स्टार्स की क्लासी रेटिंग मैंने आज तक किसी भी रिव्यू में नहीं दी है. सो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये शो मुझे सिनेफाइल लेवल पे बहुत पसंद आया है. सो दैट वॉज माई रेटिंग फॉर द फैमिली मैन सीजन 2. सोशल के रेगुलर व्यूअर जानते हैं कि मैं बहुत खुशी से रेटिंग करता हूँ जब मुझे कोई चीज़ पसंद आती है. लॉट ऑफ यू माइट अग्री विद माई रेटिंग और मे बी नॉट, वो सब अपना पर्सनल ओपिनियन है. आप सब भी मुझे कमेंट्स में अपनी मासी और क्लासी रेटिंग जरूर बताएं. आई एम वेरी श्योर कि ज्यादातर लोगों को ये शो पसंद आया होगा, सो आई एम रियली इंटरेस्टेड इन नोइंग कि आप सब लोगों ने शो को क्या रेटिंग दी है. तो चलिए, दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो. आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं @socialofficial, जहां आपको हर तरह की फिल्म और एंटरटेनमेंट से जुड़ी अपडेट्स मिला करेंगी. ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए सोशल, हर उस चीज़ के लिए जो आप जानना चाहते हैं.